मंदिर मस्जिद का टैक्स मुक्त हो, मुक्त हो, मुक्त हो। मंदिर मस्जिद का टैक्स मुक्त हो, मुक्त हो, मुक्त हो। नगर निगम यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी जिंदा, यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मंदिर मस्जिद का टैक्स मुक्त हो, मुक्त हो, मुक्त हो। मंदिर मस्जिद का लोकसभा प्रत्याशी वाराणसी। आज किस तरह का ज्ञापन देने आए थे, क्या मांगे थे आपने? केदारमठ पर स्थित श्री केदारेश्वर केदारेश्वर जी मंदिर पर जो नगर निगम द्वारा ये गृहकर व जलकर उस पर लगाया गया है, उसी को करमुक्त करने की मांग हम लोग आज हमने नगर आयुक्त जी से की है। ये काशी के जो मंदिर हैं हमारे हमारे करोड़ों लोगों की आस्था के प्रतीक हैं। देश भर से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और ये जो मंदिर है ये सैकड़ों वर्ष से यहाँ पर अवस्थापित है और इसमें प्राण प्रतिष्ठित देवी देवता हैं, तो उनको कर्जदार या देनदार बताना स्वयं में आपत्तिजनक है काशी जैसी नगरी से। तो वही मांग हमने नगर आयुक्त जी से रखी है कि इसे तत्काल करमुक्त किया जाए और करोड़ों लोगों की आस्था का ये, और हाँ, और हमें उम्मीद भी है क्योंकि अभी कई ऐसे हाल में ऐसे मंदिरों का इस तरीके का जलकर नगर नियम की अधिनियम के तहत तो लिया जा रहा था जिसको माफ़ किया गया है, और हमें उम्मीद है कि ये भी, क्योंकि ये जो केदारेश्वर जी मंदिर है इनकी बड़ी ही पौराणिक मान्यता है और जो हमारे देश के द्वादश ज्योतिर्लिंग हैं उनके जो द्वादश जो बारहवीं ज्योतिर्लिंग है उसका प्रतीक ये श्री केदारेश्वर जी है। तो यही आज हम अपनी मांग करने आए हैं। नगरी है काल भैरव जी की नगरी और तमाम हजारों लाखों हमारे देवी देवता इस काशी में वास करते हैं। ये समाजवादी पार्टी के हमारे जितने पार्षदगण हैं जो कि क्षेत्र के भिन्न भिन्न स्थानों से जनप्रतिनिधित्व करते हैं, ये स्थिति बन गई कि हमारे केदारेश्वर जी महादेव मंदिर के ऊपर टैक्स लगाकर हमारे देवी देवता को ही कर्जदार बना दिया गया, देनदार बना दिया गया। कैसी है ये नगर निगम की व्यवस्था जो कि ये नहीं समझती कि जनभावनाएँ आहत होती हैं। वो देवी देवता जो कि पूरे विश्व और पूरी दुनिया की रक्षा करते हैं, पूरी दुनिया को संचालित करते हैं, अगर उनको हम भौतिक रूप से अगर कर्जदार या देनदार बनाते हैं तो कहीं ना कहीं से हमारे ऊपर ये प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा होता है। चाहे हम जनप्रतिनिधि हों, चाहे इस देश के नागरिक हों, चाहे हम काशीवासी हों, अगर हमारे देवी देवता कर्जदार होंगे तो ये कहीं ना कहीं से ये जनमानस के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह होगा जो उनके अंदर विश्वास रखते हैं, उनके अंदर आस्था रखते हैं। ये जनभावनाएँ आहित हो रही थी, इसको देखते हुए हम लोगों ने आज यहाँ पर आकर नगर आयुक्त महोदय से ये मांग किया है कि केदारेश्वर जी महादेव मंदिर जिनकी महिमा अखंड है, उनके भी भवन को, उनके भवन को, भवन कहना गलत है, वो मंदिर है, उनके मंदिर के ऊपर लगाए जाने वाले भवन कर को स्थगित कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए हमेशा के लिए, वहाँ जलकर भवन कर न लिया जाए। तमाम बनारस के ऐसे मंदिर हैं जिनके ऊपर ये टैक्स एग्जेम्प्टेड किए गए हैं पहले भी, वर्तमान में भी कर दिया जाए, इसको भी ये मांग लेकर हम लोग आए थे।